ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ ਸੰਚੰਤ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਲੰ ਛਿਦਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਤੇ ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ ਸੰਚੰਤ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਲੰ ਛਿਦਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਤੇ ਤੇ ਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁੱਲ ਤੁਮਾਂ ਦਿਸਮ ਸੋਹਣਾ ਅੱਡ ਨਾਲ ਹੰਦੜੋ ਮੁੱਲ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ ਪੌੜੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨ ਚੱਲੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਐ ਤਿਸ ਕਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜਤਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵੰਜੀਐ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਾ ਮਨ ਰੰਜੀਐ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਅਨ ਲੱਗੈ ਨਰਕ ਸਮੰਜੀਐ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਪੰਜੀਐ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਅਨ ਲੱਗੈ ਨਰਕ ਸਮੰਜੀਐ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਪੰਜੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਤ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा दीवान खाल मंजी साहब विखे गुरु रामदास महाराज हजूर दे पवित्र दरबार विचों आए हुए हुक्म दा पाठ आप जी ने श्रवण कीता है। अज दा ए पवित्र अमृत बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग जैत श्री की वार है जो इस दी खजूर ने दसवीं पौड़ी नाल दो शलोक दर्ज किते ने। इस सतगुरु ने अज हुक्म रूप विच सानू बख्शिश किते ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा अंग 708 जिस उपर ए अमृत बोल दर्ज किते गए ने। जैत श्री की वार अंदर सतगुरु ने 20 पौड़ियां उचारण कीतियां ने ते सतगुरु ने कृपा करके एक एक पौड़ी नाल दो दो श्लोक रखे। भावां के सरलेख सिर्फ इको ही आंदा है श्लोक। इस वार दी आरंभता विच वार श्लोकां नाल है। इहदा भाव ए वे कि इस वार दीआं पौड़ियां दे उचारण करन वाले भी धन गुरु अर्जुन देव जी ने और इन्हां पौड़ियां नाल जो श्लोक दर्ज किते गए ने इन्हां श्लोकां दे उचारण करता भी पंचम गुरदेव ने। ते इस सारी वार दे अंदर तकरीबन हर पौड़ी नाल जिहड़े श्लोक आए ने श्लोकां विच हजूर ने जो सिद्धांत दिता है ते अगला श्लोक और पौड़ी उसे ही श्लोक दी व्याख्या कर दे उसे दा ही विस्तार है। जिवें अज गुरुदेव ने बख्शिश कीती अज दे इस हुक्म विच चार बचन पहले श्लोक विच कीते ने। हजूर दे अमृत बोलां अनुसार एक राज दूसरा धन तीसरा शरीर दी सुंदरता और चौथा अपनी कुल दा जिहड़ा बंदे नूं अहंकार है। हजूर कहिंदे ने इह भुलेखे विच इंसान तुरिया फिरदा है कि इह कोई चीज भी इहदे नाल निभण वाली नहीं। फिर मैं बेनती करां जो अर्ज करनी चाहना कि अज दी विचार दा विशा एक है ना राज ना रूप ना धन ना उच्ची कुल दा मान और जितनी मर्जी पाप कर करके बंदे ने दौलत इकट्ठी कीती होवे इस संसार तो तुर गया एक कौड़ी भी इस बंदे दे नाल नहीं जानी। इस अमृत बोल नूं अज आपां विचारन दा यतन करांगे और दूसरा इस स्थान दी मर्यादा अनुसार अज कत्ते दे महीने दी प्रारंभता हुई है कत्तक दी ते जो धन गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने अमृत बाणी विच सानू उपदेश 12 माह विच दृढ़ कराया है उस पवित्र पदे दे अखरी अर्थ भी जरूर विचारे जाणगे। आप जितने गुरु चरणा विच हाजिर हो कृपा करके बख्शो आसीस कोई भी रसा सचे पातशाह महाराज जी दे बख्शे हुए नाम तो विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब नाल आसीस बख्श दे हुए उचारण करो जी। सतनाम श्री
वाहे गुरु जी, करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु साहेब जी। सलोक राज कपटं रूप कपटं तन कपटं कुल गर्भ तह। हजूर ने इस पौड़ी दे पहले शलोक विच बख्शिश कीती, राज कपटं, कपट दा अर्थ करांगे छल रूप, धोखा देन वाला, होर सौखा अर्थ करांगे कपट दा अर्थ के दिस दा कुछ होवे ते अंदरों असलियत कुछ होर मिले। कपट दे अर्थ बड़े सौखे ए बन गए। राज कपटन, हजूर कहिंदे ने जेड़ा इंसान कोल राज भाग है, सच ए भी एक छल रूप है, इसने भी एक दिन चले जाना। छल दा अर्थ है कि जेड़ा हकीकत भी जो दिस रहा है, जो नजर आ रहा है, एदा रिजल्ट, एदा नतीजा अखीर ते कुछ खोर निकले। अराज भी शाल रूप है, इंसान दे तन दा रूप सुंदरता ए भी शाल रूप है। तीसरा शब्द वरत्या तन, इकट्ठी कीती कोई दौलत पापन ए भी शाल रूप है। ते जिस बंदे नू अपनी कुल दा अहंकार है, अपनी बिरादरी दा अहंकार है, अपनी जात दा अहंकार है, हजूर सच्चे पातशाह किन्ने ओ कुल दा अहंकार भी छल रूप है। फिर बेनती सरवण करियो कि चार बचन अज हजूर ने कहे, राज जोबन रूप तन ते अपनी कुल दा अहंकार, ए छलावे मात्र हर चीज बिनसन वाली है। संचंत बिखेया छलं छिद्रं। हजूर कहिंदे ने सचंत बिखिया छलं छिद्रं। सचंत दा अर्थ इकट्ठी करनी। गुरमुखो अखरी अर्थां वल जरूर तवज्जो दिया करो विस्तार दे नाल ना, क्योंकि अपना मकसद जो हुक्म गाया है उस दे अखरी अर्थ समझे, फिर उहदे विस्तार भी जाना है। हजूर कहिंदे ने कि इंसान कर की रिहा है, ये अपने वल्लों इस धन पदार्थ नूं इकट्ठिया करदा है। सचंत बिखिया छलन छिदन, इत्थे बेनती करां कि दौलत इकट्ठी करदा है छल करके, ते जे छिदर दे अखरी अर्थ करांगे ते इहदे अर्थ होणगे सुराख। देखो इहदे अर्थ की बनगे। फिर छिदर दा अर्थ बनेगा दोख, दोख दा अर्थ करांगे पाप। ओ इंसान जो तू पाप कर करके इस दौलत नूं दिन रात इकट्ठिया करदा है। नानक बिन हर संग ना चालते। धन गुरु पंचम पातशाह महाराज बख्शिश करदे ने, तेरे कोल राज होवे, तेरे कोल रूप होवे, तेरे पास धन होवे, तेरे कोल उच्चा घराणा उच्चा खानदान होवे, तू पाप कर करके बहुत सारी माया इकट्ठी कीती होवे, पर याद रखी नानक बिन हर संग ना चालते। केवल एक परमात्मा दे नाम तो बिना एक कौड़ी भी तेरे नाल नहीं जाने। इस पहले श्लोक दा विस्तार ही अगला श्लोक और पौड़ी है। इस करके दास इस नू आरंभ विच ए बेनती इस श्लोक दी आपां कथा जे विस्तार नाल करांगे ते मुकम्मल अगला श्लोक और पौड़ी इसे दे विच ही आ जाएंगे, पर अखरी अर्थ आपां उन्हां दे भी करांगे श्लोक और पौड़ी दे। गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी च जिथे हजूर ने धन शब्द दी वरतों कीती है, दौलत रूप अंदर, पदार्थां दे रूप अंदर, उत्थे हजूर ने धन दे नाल नाल इहदे लई इक शब्द बिखिया वरतिया है, उहदे अर्थ भी आपां माया करने का। तीसरा गुरु ग्रंथ साहिब च इक शब्द हजूर ने माया भी वरतिया है, क्योंकि अज का प्रकरण ही ए वे माया शब्द भी वरत्या है।
पर बाणी विच माया लई कई ऐसे शब्द वरते गए ने कि जिथों एदी ओ शक्ति प्रगट हुंदी दिसदी है कि इंसान दे अंदर नू किन्ना कु खुवार करदी है। देखो आरंभ विच थोड़ी जी भूमिका अर्ज करनी चाहांगा, एक पासड़ हो के विचार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच मायाली शब्द नागनी वरत्या, मायाली शब्द सरपणी वरत्या, मायाली शब्द ठगनी वरत्या, मायाली शब्द हजूर ने डायन वरत्या। ते हैरानगी दी गल कि जिस कबीर साहब ने नाको काटी कानो काटी क्या, जिन्ना ने माया नू सरपणी क्या, जिन्ना ने माया नू नागनी क्या, ते उन्हां ने अपनी बाणी विच माया लई एक शब्द सुहागण भी वरत्या। वह सुहागण शब्द भी वरते, डायन सरपणी सुहागण शब्द भी। पहली बेनती ए कि देखो माया असल च गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द की रोशनी विच की है। पावां के शंकर जी ने आदि शंकराचार्य ने माया की अपनी परिभाषा दिती, पर असी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का ओट आसरा लेना, ना कि किसी अन मत विच दिती कोई माया की परिभाषा की आपां व्याख्या करनी है, क्योंकि बाणी ने बड़ा सरल साडे लई काम कर दिता। हुण जिवें एक शब्द कह भरम, ते जे आपां किसी वेदांती नूं पुछिए ते ओह भरम दे अर्थ अपने ढंग नाल करेगा, ते जे गुरु ग्रंथ साहिब विचों पढ़ना होवे ते एक तुक विच भरम दे अर्थ हो जांदे ने। माधवे क्या कही है, भ्रम ऐसा जैसा मानिया खोए न तैसा। कहिंदे ने भरम दी डेफिनेशन ए वे कि जो कुछ दिसदा पिया है उहदे नजदीक जाइए ते दिस दे खोए दी थां ते असलियत कुछ होर नजर आए, इहनूं भरम कहा जांदा है। फिर मैं शब्द दोहरा देना कि जो कुछ नजर आ रहा है दूरों दिस रहा है, कोल जाइए ते हकीकत असलियत कुछ होर प्रगट हो जाए। उदाहरण दे तौर ते कि दूरों सड़क दे उत्ते पानी दियां लहरां आउंदियां दिसदियां ने, ते ज्यों ज्यों नजदीक जाइए पानी तां है नहीं, दरअसल वह जमीन दे विच्चों सूरज दियां किरणां दी तपश नाल धरती तपदी हुई है, ते उहदे अग सानूं लहरां प्रतीत हो रही। भरम है। मैं बेनती करा इसे तरह शब्द है माया। पहला इहनूं बाणी चों आपां देख लैणा, ते इह गल चेते रखो कल्ले इंसान नूं माया नहीं व्यापी, जिन्हों परमात्मा ने पेट ला दिता है सच एवे खार जीव नूं हुई माया व्यापी है। कबीर साहब ने कहा इत्थे पशुआं नूं भी माया व्याप गई। बेनती करा कि गुरबाणी की रोशनी विच माया दे अर्थ की। माया का अर्थ असी सिर्फ सीमित बना दिता है। करंसी नूं आपां माया कहने, पाउंड नूं डॉलर नूं, जां आपां यूरो नूं रुपये लई पैसे लई शब्द माया वरतांगे, सोने चांदी लई भी शब्द माया वरत्या जांदा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मुताबक के हर ओ चीज, शब्द मैं फिर दोहरान लगा, हर ओ चीज माया भी बन जांदी है कि जिदे विच साडे चित बिरती परविरत हो जाए ते परमात्मा दी याद भुल जाए, जिथे रब दी याद भुल जाए वह हर चीज ही माया बन जांदी है। फिर बेनती थोड़ी जी कि मान लो कि कल्ला आ दौलत ही नहीं, इंसान का अपना तन है, ये तन विच बल है, बल नूं ताकत नूं देख के रब भुल जाए ते ताकत भी माया बन गई। इहनूं परमात्मा ने पुत्र दिता, धी दिती, लायक मिल जाण ते उहनां नूं देख के ही परमात्मा नूं भुल जावे ते उह घर दे जीआं दे शरीर भी माया बन जाणगे। आदमी कोल अकल सियाणप होवे, विधवता होवे, ते विधवता दे अखरां नूं पढ़दा होया विचारदा होया जे इंसान नूं उहनां अखरां दे ज्ञान विचों परमात्मा भुल जाए ते सच एवे ओ अखर भी माया बन जांदे। सतगुरु ने बड़े सरल जे अर्थ कीते, कह लगे ए माया, गुरु अमरदास जी, ए माया जे तहार विसरै, आ है एक तुक विच माया दी परिभाषा। मैं इधर ज्यादा डिटेल च नहीं जाना क्योंकि गुरबाणी ने जेड़े सानू परिभाषा दित्तियां, इन्हां सारे जितने माया दी काम दी क्रोध दी बड़ी सरल समझ पैण वाली सतगुरु ने कृपा कीती। यह माया, माया एक है, यह माया दी डेफिनेशन है
ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਖਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤਨਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਲਾਰੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਠੱਗਣੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਚ ਹੱਥੋਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਭਾਈ ਕਿ ਕਾਲ ਕਾਏ ਕਿ ਚਾਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣ ਐਸੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦਿਓ ਛਲੀਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾ ਕਹਿ ਰੇ ਨਾਖੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਹਾਗਣ ਪਤਨੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੁਦੇ ਜਾਹੀ। ਪਹੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹੀਆ ਮੀਨਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਤਿਥੀ ਮਹਿਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸਪਨੀ ਦੈਨ ਨਾਗਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਕਪਟਨ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਰਾਜ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਪੂਰਬਲੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਾਨੰਗ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਨ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ,
दानक प्रा पूर्वेन पुचंते मखीपते ते जदो राज आया उदो मत ते पर्दे पै गए उदो बुद्धि भ्रष्ट हो गई उदो राजे दे मन उत्ते पापा ने इन्ना कु गलवा पा लिया कि ओदी मत मार गई विपरीत बुद्धि हो गई ते अपनी प्रजा नू कतल कर लग पिया अपनी प्रजा नू मारन लग पिया ते गुरु ग्रंथ साहिब दा फसा फैसला है कि पूर्वले करके तेनू मिलिया राज राज लैके कीता जुम ते चेते रखी अगो नरकां दे पट तेरे वास्ते तपदे पे सतगुरु दे बचन ने दानग परा पूर्वेन पुचंते मखीपते बपरीत बुद्धियं मारत लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते। पर देखो जिथे जुल्म दा जिक्र कीता उथे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचो तीन क प्रमाण मैं होर अर्ज करने खास करके इस राज दे संबंध विच के राज छल रूप है। जे बंदा केवल एदा मान करके बैठ जाए कि मेरे तो ता राज पदवी कदी जानी ही नहीं। एक पासे महाराज जी ने ए भी बचन किया कहन लगे राजे चुली नियाब की कहने राजे वास्ते एक है ओदा फर्ज बने कि वो इंसाफ करे। महाराज कहने पढ़िया सच ध्यान पढ़े वास्ते चुली एवे कि वो सच्चे स्वरूप परमात्मा दे ध्यान भी जीवे ते राजे वास्ते ओदा धर्म एवे कि राजे नू इंसाफ करन दी जांच होवे ते ओ इंसाफ करे। एक होर बेनती असी गुरु नानक साहिब जी दे अमृत बोल श्री राग विच पढ़ने ते जेड़ा श्री राग दा पहला शब्द है उस शब्द दा अंतला पदा राज भाग नाल संबंधित है। ओ पवित्र बचन है कि सुल्तान होवां जे मैं बादशाह बन जावां सुल्तान बन जावां मेल लश्कर ते मैं फौजां भी इकट्ठियां कर लवां सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखां पाऊं मैं अपने पैर सिंघासन ते तख्त उत्ते रखां सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखां पाऊं हुक्म हासिल करी बैठा मेरे हुक्म चल देखों जो मैं जबान तो बेलां बोलां हर कोई स्वीकार करे हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ वाओ दा अर्थे पौन वाओ दा अर्थे खवा। किन्ने तख्त भी मिल गया राज भाग भी मिल गया हुक्म भी मिल गया फौजा भी मिल गया ते जे परमात्मा दी याद भुल के जुल्म कर लग पिया ते सब राज भाग इस तरह चला जाएगा जिवें खवा दा बुला निकल जांदा हवा आई तां व्यर्थ सुल्तान कोमा मेल लश्कर तक राखां पाऊं हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। ताई बाबा जी ने कहा मत देख भूलां विसरै तेरा चेतना आवे ना हे प्रभु के तेरी मैं याद ना भुल। यही कारण कि जिथे जुल्म हुंदा दिसिया जे राजे ने जुल्म कीता गुरु नानक साहिब दी उस शेर सिंह गर्ज ने जुल्म करन वाले राजे लिए भी अमृत बाणी विच शब्द उच्चारण कर दिते। जे मान लो कोई राज भाग लैके जुल्म कर दे ते उन्हों गुरुदेव ने बाणी च कह दिता राजे शी राजियां लई शब्द ने मुकदम कुत्ते बहुवचन कह के राज करन वाले राजे शेरां तरह खूनखार बन गए ते उन्हां दे जिहड़े अगे अहलकार ने मुकदम ने वह कुत्तियां दी तरह जिवें खलका कुत्ता है उस तरह की बिरती बन गई। राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते इन्ना जुल्म करते ने कोई बंदा सुता होवे घर विच बैठा होवे जदों मर्जी चाहन घर विच सुत्यां बैठियां नू दबोच के अपने नाल लै जांदे ने ते सच एवे कि ते अनदसी थां ते जाके उदाहरण भी कर देंदे। इह सतगुरु ने शब्द वरते कि राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नांदा जेड़े नौकर ने वो राजियां दियां नौ ने पायन कहो सच ए के चाकर मानू नौंदरा मार मार के घाव जख्म करदे ने रत पित कुत्तियो चट जाओ कुछ तां राजा सब कुछ हड़पिया बाकी अगे अहलकार उन्हूं लै जांदे। इत्थे एक होर बेनती दास करे कि बाबर हिंदुस्तान की धरती ते आए मैं पहला शब्द चुनिया राज कपटंग फिर अगे आवांगे रूप कपटंग धन कर कपटंग की गल कर दें। ये चार ही बचन ने ते मेरी इच्छा सी मैं चारां ते थोड़ी थोड़ी बेनती जरूर करदा जावां जे एक प्रकरण ते बोलो जितना समा मर्जी प्रमाण बाणी चो मिल। हजूर ने देखिया बाबर आए
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਧੁਰ ਅੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਭਾਈ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਦ ਦਾ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋ ਛੱਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਰ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਔਰ ਦਰਦਮਈ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਰੂਪ ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੰਦੂਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੂਰ, ਆਦੇਸ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇਸ। ਜਦੋਂ ਸੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨ ਪਾਸ ਖਿੰਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ, ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝੱਲੇ ਚਮਕਣ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੈਣ ਬਹਿਟੀਆਂ ਲੱਖ ਲੈਣ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਨ ਸੇਜੜੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸਤਨ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਏ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਥਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਮੁਗਲ ਤੇ ਜਮ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰਨਾ ਕਾਹੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਚੀਰ ਸੁੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਖਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਤਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਸ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਗੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 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 ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਰਾਜ ਕਪਟਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈ।
जीत फिर है सब देश निशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर खिंस तय है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत राज कपटंग। हजूर कहने अपना मुल्क दित्या दूजे दिशा नु जितया ओदे महल विच ओदे घर विच घोड़े ने खाथी ने। महाराज कहने जेड़े चक्रवर्ती राजे बने अज भी ने पिछा भी खोए ने ते जेड़े आने वाले समय विच भी खोणगे। जिन्हों राज लैके परमात्मा की याद भुल जाएगी वो अंतलू जमा दे घर नू चला जाए। फिर अर कर देना जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर खिंस तय है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नी जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को। अंत को दा मतलब अंतले वेले अंत के दा अर्थ है जमदूत धर्मराज। अंत को अंत के धाम सुधारे जिन्हां राजियां नू परमात्मा दी याद भुल गई राज कपटम बन गया छल बन गया ते महाराज कहिंदे अंतले समय जमा दे घर नू चले गए। इस तो अगले री बेनती जिन्हां लोकां ने जुल्म कीते देखो उन्हां दे नामो निशान मिट गए। जिन्हां सच्चियां बंदियां उत्ते जुल्म कीते ते जिथे उन्हां दा खून दा कतरा डुलिया सच्चे वे उन्हां दे नाम दियां आवाजां अज भी उत्थों आउंदियां पईआं। मैं इत्थे एक छोटी जी उदाहरण देंगा। देखो गुरु ग्रंथ साहिब विच एक अमृत बचन है बाबा फरीद जी का। वह कहिंदे ने जिन्नी देर तक बादशाह सिंघासन ते वे राजा उन्नी देर तक उहदा हुक्म चलदा है ते जदों वह अपने घरों निकलदा है ते उहदे वास्ते पालकियां तैयार हुंदियां सन वह पालकी विच बैठदा है। जदों तुरन लगदा है ते उस दे अगे नगारे वजदे ने उस दे अगे नरसिंगे वजदे ने ते जदों वह अपने सिंघासन ते बैठदा है ते उहदी सिफत करन वाले कवि जन खलो के उहदियां सिफतां करदे उहदे सिर उत्ते छतर ने। थोड़ी जी गल ध्यान नाल सुनियो जो अर्ज कर लगा कि महल विचों निकलदा पालकी तैयार पालकी विचों निकलदा ते उत्ते सोने दा छतर जदों सिंघासन ते बैठदा ते कवि जन खलो के उहदियां सिफतां गाउंदे ने। कहिंदे ने अज उसे बादशाह दी जदों मौत होई ते मौत वेले उहदे सिर ते ना किसे ने छतर चुलाया ना उहदे लई कोई पालकी तैयार कीती ना उहदे सामने किसे ने नगारे वजाए। कहन लगे उहनू मोढे ते चुकिया ते मिट्टी पट के कबर विच इस तरह दफना के आ गए कि जावें जिवां किसे जतीम नू अपने घरों कोई धक्का मार के बाहर कढ दे। कहिंदे आखर उह राज भाग दे मालक सन अज यतीमां दी तरह रुल लग पए। एक बचन कहे अमृत गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कि पास दमामे बाबा फरीद जी पास दा अर्थ कोल ते दमामे दा अर्थ नगारे जिदे उठदियां नगारे वजदे सन अज उहदे कोल नगारे पए ने पर उही अर्थी दे नाल कोई नगारा नहीं वजांदा क्योंकि उस राजे दे तन विचों फूक निकल चुकी है। पास दमामे छत शेर उहदे सिर दे उत्ते छतर चुलदे सन भेरी अतूतियां भेरियां अगे वजदियां सन सडो रड रड छंद दा नाम है भेरी सडो रड। ते जदों बादशाह तुरदा सी सिंघासन ते बैठदा सी उहदी सिफत विच मानो रड छंद विच उहदी सिफत कीती जांदी सी। पास दमामे छत सिर भेरी सडो रड जाए सुते जीरान मैं जीरान दर ते कबरां सौंगे सदीव काल ली कबरां विच थीए अतीमा अतीमा दर ते यतीमा थीए अतीमा गड। कहन लगे यतीम नूं तां लोक केवल घरों बाहर कढदे ने ओ चक्रवर्ती सरा सम्राट तेनू तां लोकां ने मिट्टी पट के मिट्टी दे विच गड़ दित्ता। अज तेरी सिफत करन वाला कौन राज कपटन। ते मैनू याद आउंदा है इहनू किसे भी किसे फिरके दे उपर कीते होए आलोचना मत समझना। असी चांदनी चौंक विच मत्था टेकने आ ते गुरु तेग बहादुर साहिब दा दरबार है ते दूसरे पासे असी आनंदपुर साहिब दी धरती ते सीस कंज मत्था टेकने आ जिथे हजूर सच्ची सरकार दे सीस दा संस्कार कीता गया। तीसरा असी रकाबगंज मत्था टेकने आ जिथे मेरे सतगुरु जी दे पवित्र धर दा संस्कार कीता गया। ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो राज कपटन
सिर्फ एक उदाहरण लिख है ते अपने ही इतिहास विचों जिस दिन हजूर नू शहीद किया गया चांदनी चौंक विच ते जलाद ने अपनी ओतेख अपनी तलवार तिखी की सिर बेनती मात्र उन्हें तेग चलाई सतगुरु का सीस धड़ तो अलहदा हो गया। भाई जैता साहब ने सीस चुके है पर यह गल आप मानने खां कि हजूर का सीस धड़ उस चांदनी चौंक विच पिया है पर बादशाह दे सिर ते तां उदों सिंघासन चोर रहा सी बादशाह दे सिर उत्ते छतर सी वो जिथे भी बैठा है उदे उपर चौबर भी खोरी होवेगी उदे सिंघासन सामने लोग भी झुकदे होणगे पर सच्चे पातशाह दा सीस ते धड़ चांदनी चौंक विच पिया है। हुक्म उहदा चलिया जिहदे सिर ते छतर सी पर अज की सिचुएशन अज हालात की बन गए जिहदा सीस चांदनी चौंक विच सी उहदे डुल्ले होए खून उत्ते सोने दे छतर चलदे पए ने ते जिन्हें छतर थले बैठ के हुक्म दिता सी उहदी कबर दे उत्ते कोई तंबू तानण वास्ते भी तैयार है। यह सच्चाई है। राज कपटंग इहनू केवल यह नहीं कि आपां औलारूपन सच एवे कि जिदे सिर ते छतर सी उहने हुक्म दिता कि इहदा सिर उड़ा दितो दिओ ते जिदे सिर नूं उड़ाया गया सच एवे जिथे उहदे खून दे कतरे डुले उहदे सीस उत्ते छतर पै झुलदे ने ते जिन्हें सिर उतरवाया सी उहदी कबर उत्ते कोई तंबू भी लाउण नूं तैयार है। ते मैनूं उस विद्वान दे शब्द चेते आउंदे ने एक उर्दू दा अदीब कहिंदा बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी सालां तक जिन्हां दे सिर उत्ते सोने दे छतर झुलदे सन अज वह राजियां नाल की बीती तुरबत पे उनकी ना शामियाना देखा उन्हां दी कबर उत्ते किसे ने पाटी चाननी भी नहीं लाई वह राज भाग चले गए। शाह मुहम्मद ने जंगनामा लिखिया फिरंगियां ते सिंघां दा उहदे विच उहने पहला एक बचन किया अपनी लिखत चौदा बैंत है वह कहिंदा यह जग है सराए मुसाफरां दी। मैं सिर्फ एक बचन ते अर्ज कर रहा राज कपटन यह जग है सराए मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आए गए शहदाद नमरूद फिराउन जय दावे बन खुदाए कहाए गए अकबर शाह जे विच दिल्ली फेरी वांग बन जा रहे पाए गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजाएगा। राज कपटन एक दिन वह कूड़ का वाजा बंद हो जाएगा। बेनती करा पहली गल गुरुदेव ने अज कही कि जिस राज भाग नूं मन है छल कपटन वह जान वाला है। दूसरी बेनती कि रूप कपटन आ जिहड़ा सानू रूप मिलिया शकल मिली है कि यह सदीव का रहन वाली है। हकीकत विच बंदे कोल धन होवे ते बंदे कोल जवानी ते सुहापन होवे ते बंदा छेती कितिया धर्म वाले पासे नहीं आउंदा। जिहदे कोल धन दौलत सुहापन ते बल हो जाए उहदे अंदर कुदरती तौर ते हंकार दा नाग फुंकारन लग पैंदा। तुलसी जी ने कहा को जन्मियो असो जग माही प्रभता पाए जास मद नाही। गुरुदेव ने बाणी च बचन किते धन जोबन प्रभता कै मद मैं ऐनस रहे दीवाना। हुण रूप जेड़ा है अज बंदे दा पूरा जोर लगा कि मेरा रूप सब तो चंगा मैं लगा। इहनू इह ना समझना भी नहाना नहीं स्नान करे कपड़े जरूर पाए चंगे बस्तर पाए पर जे पूरा जोर यही नमैश लाई जाए ते अज नमैश लगन लग पई रूप दी। असी सब कुछ देखते सुनने पे पेपरां च रूप दी नमैश लगती है बाहरों चमड़ी दी नमैश लगती पई है पर अंदर वाला लोगों का कूड़े करकट नाल ज्यादा भरिया जा रहा है। सतगुरु ने रूप संबंधी कुछ बाणी च बेनती बचन किते जो बेनती रूप मैं अर्ज करनी चाहना। एक तो कबीर साहब के दो श्लोक ने वह कहते हैं बंदे दे जदों रूप आउंदा सुंदरता आउंदी है ते उदों ओ लोकां नूं अपने वल खिंचण दा यतन करदा ते अज बाजार विच जितने लोग तुसी देखोगे किते चले जाओ ज्यादातर ओ लोग घरों बांठन के निकलदे ने जिन्हां दे मन दी इह बिरती है कि लंघदे होए लोग साडे वल देखण ते भावें उहनां नूं कमीज ही पाड़नी पए मतलब तां इह है ना लोग मेरे वल देखण खिंचे आउण। सतगुरु ने एक बचन क्या कहन लगे देखो बंदिया
तू अपनी चमकदी चमकदी कोई चमड़ी दा अपने रूप दा माण करना है। तू अज 24-25 साल दा शीशे विच अपना चेहरा देख ते जे रब ने तेनू जिंदगी दिती ते अज तो 50 साल बाद 75 साल बाद अपना चेहरा देखी जिस चेहरे नू देख के अज तू खुश पिया हुन्ने सच एवे उस दिन इस चेहरे नू देख के तू मायूस हो जाएगा क्योंकि खिन खिन चमड़ी तेरा रूप चेंज हो रहा है। ते दूसरी बात जिस रूप दा तू मान करने इस देह ते इस चमड़ी नू तू इस तरह छड़ के जाएगा जिवें एक सप अपनी कुंज छड़ के किते चला जांदा है। ते कुंज दा मान सप क्यों करे? सप कदी कुंज दा मान नहीं करदा। उनू पता है कि यह चमकदी कोई कुंज कुछ दिनां लई मेरी है मैनू छड़नी पैणी है ते इस रूप जिहदी चमक ते तू मान करना एक दिन तेनू भी छड़ना पैणा है। सतगुरु के बचन ने कबीर गर्व ना कीजिए राज कपटंग रूप कपटंग ये जान वाला है देखी देख सुरंग आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पुयंग जिमें सप अपनी कुंज छड़ जाता है। दूसरा बचन कबीर गर्व ना कीजिए रूप कपटंग कबीर गर्व ना कीजिए चाम लपेटे खाड तेरिया हड्डिया उत्ते परमात्मा ने चमड़ी का कपड़ा लपेटिया है। हड्डिया के थले उन्हें खून ते मिज पा के ए तेरी चमड़ी हड्डिया उत्ते लपेटी है। कबीर गर्व ना कीजिए चाम लपेटे खाड हैवर ऊपर जेड़े घोड़िया ते बहिंदे सन हुसन व हुसना दे मालक तार ते शतरा थले रहिंदे सन ते फुन धरनी गाड़ इन्हें रूप वाल बंदे जेड़े कबरां विच कीड़े उन्हां दा मास बखांदे रूप कपटन। तीसरा बचन बाबा फरीद साहब दा उन्होंने तो अपना निजी तजर्बा दसिया मैं सिर्फ एक एक दो दो प्रमाण लैने ने क्योंकि वक्त के लिहाज नाल अज डिटेल नहीं खोज सकेगी क्योंकि ये चार